अल्लू अर्जुन इन दिनों पुष्पा 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनकी मूवी अगले साल रिलीज होनी है। इस फ्रेंचाइज की पहली किश्त की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने मूवी का स्केल बड़ा कर दिया है। प्रोडक्शन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसलिए अल्लू अर्जुन ने मूवी के लिए रेगुलर तरीके से फीस नहीं लेने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मूवी की कमाई में से प्रॉफिट शेयर करेंगे। अल्लू अर्जुन का जन्म 8 अप्रैल 1982 को चेन्नई में हुआ था। उनका बचपन वहीं गुजरा। काफ़ी समय के बाद वो हैदराबाद शिफ्ट हुए, तब तक उनका फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन बचपन से पियानो टीचर बनना चाहते थे। थोड़े बड़े हुए तो मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी जगी। फिर सोचा कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा में काम करना है, मगर बीतते समय के साथ इन चीज़ों को फितूर भी सिर से उतरता चला गया। फाइनल हुआ कि एनिमेशन की फील्ड में जाएंगे। इसके लिए कोर्स वगैरह की और विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर के तौर पर काम करने लगे। वो एक ऐसी मूवी फैमिली से आते हैं जिसमें ऑलरेडी 12 स्टार्स हैं। इनमें चिरंजीवी और अल्लू दोनों परिवारों की नई पुरानी दोनों जनरेशन के लोग शामिल हैं। मूवी कंपेनियन के लिए अनुपमा चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में अर्जुन बताते हैं कि उन्हें लगा कि मूवी लाइन में आना उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। यहाँ उन्हें चीज़ें बिल्कुल बुनियादी लेवल से शुरू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके दादा पिता और फूफा ने एक बेस बनाकर रखा है, इसलिए वो एक्टिंग में आ गए। मगर अर्जुन बताते हैं कि जब उन्होंने कैमरे के सामने परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो उन्हें अलग टाइप की फीलिंग आने लगी। बेसिकली वो उसे इंजॉय करने लगे। फिल्मों में डेब्यू तो वो 1985 में ही कर चुके थे। 2001 में वो चिरन टीवी की मूवी डैडी में एक डांसर के छोटे से रोल में भी दिखाई दिए थे। मगर जब तय हुआ कि फिल्मों में एक्टिंग ही करनी है तो अर्जुन को मुंबई भेजा गया। किशोर नमित कपूर के यहाँ उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलवाई गई। 2003 में पिता के प्रोडक्शन में बनी गंगोत्री से ऑफिशियल लॉन्च किया गया, मगर के राघवेंद्र राव डायरेक्टर ये मूवी कुछ खास नहीं चली। अल्लू अर्जुन के करियर की पहली सक्सेसफुल मूवी रही सुकुमार डायरेक्टेड आर्या। 4 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस मूवी ने 30 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कई फिल्म मेकर आर्या को हिंदी में रीमेक करना चाहते थे, मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अभी तो जो सबसे ज्यादा क्रेज है अल्लू का, तो वो है पुष्पा 2 को लेकर। आप बताओ, आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 को लेकर?